सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि उन्नाव में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आलीशान घर और मस्जिद बना दी थी। दावे के अनुसार इन्हीं घरों और मस्जिद को गिराया गया और उसी का ये वीडियो है। इसके साथ ही दावों में एक शख्स को भी जोड़ा जा रहा है। ये शख्स कौन था? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें एक आदमी को यह कहते हुए सुना जा सकता था कि उत्तराखंड मंदिर मुस्लिम समुदाय का धार्मिक स्थल है और इसे मुस्लिम समुदाय को सौंप दिया जाना चाहिए। ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, ये मुसलमानों के इसको हवाले कर देना चाहिए इनको। वो बद्रीनाथ नहीं है, नाथ लगाया है इससे वो हिंदू हो गए क्या? वो बद्रुद्दीन शाह है। तारीख उठाकर देखें, इतिहास का पहले मुताला करें ये तंजीम, उसके बाद में आगे बकवास करें। इस व्यक्ति को आम आदमी पार्टी से जुड़ा बताया गया था। ऑल्ट न्यूज ने जांच में पाया था कि ये व्यक्ति मदरसा दारुल उलूम निशवाह के मौलाना अब्दुल लतीफ कासमी थे। इन्हीं अब्दुल लतीफ के वीडियो पर सरकार की प्रतिक्रिया बताते हुए अतिक्रमण हटाने का ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। ऑल्ट न्यूज ने इस दावे की सच्चाई जानने के लिए न्यूज रिपोर्ट्स ढूंढी। हमें न्यूज 18 की 27 जुलाई की रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया है कि उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर पड़ने वाले सोहरामऊ थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध मकानों को हटाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 23 जून 2020 को जिला पंचायत सदस्य अरुण सिंह ने सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके ही बाद ये कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों को नोटिस के जरिए पहले आगाह किया गया था, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने अतिक्रमण वाली जमीन खाली नहीं की। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने 26 जुलाई को ये वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने ट्वीट करके भी अतिक्रमण हटाए जाने की खबर शेयर की थी। इसके बाद सरकारी जमीन पर मुस्लिम समुदाय के घर और मस्जिद होने के दावे की सच्चाई जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने उन्नाव के ASP शशि शेखर सिंह से भी संपर्क किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण वाले ढांचे में कोई मस्जिद नहीं थी, वहां पर कुछ मकान और दुकानें थीं। और तो और उनकी जानकारी के अनुसार अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों पर मुस्लिम समुदाय का एक भी घर था ही नहीं। यानी उन्नाव में अतिक्रमण वाली जमीन खाली करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक दावे के साथ शेयर किया गया। वीडियो शेयर करते हुए झूठा दावा किया गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गैर कानूनी रूप से मस्जिद और घर बना लिए थे।